छत्तीसगढ़ के कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खुले हैं, मगर लोगों को अब भी डॉक्टरों के अभाव में इलाज के लिए बाहर भटकना पड़ता है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से कई वर्षों से ही कोसीर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग की जा रही थी। इस बारे विधायक को भी अवगत कराया गया था, जिसके चलते विधायक ने संज्ञान में लेते हुए एक महापूर्व रायगढ़ कलेक्टर का कोसीर का दौरा किया था। संवेदनशील कलेक्टर भीम सिंह ने सहर्ष स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को MBBS पदस्थ करने के निर्देश दिए थे। वहीं आज जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोसीर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं एक माह बीत जाने के बाद भी कोसीर स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर पदस्थ नहीं होने पर विधायक ने गहरी नाराजगी भी जताई है, जिस पर जिला चिकित्सा ने अधिकारी ने कोरोना की वजह से स्टाफ की कमी बताते हुए देर होने की बात मानी है। साथ ही शनिवार और मंगलवार हफ्ते में 2 दिन अब विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहां सेवा देने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना काल की समाप्ति के बाद कोसीर में स्वास्थ्य केंद्र में निरंतर MBBS डॉक्टरों को भेजने की भी बात कही है। इसके अलावा खून, पेशाब एवं अन्य जांच के लिए लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति, अस्पताल को 10 बिस्तर के तौर पर विकसित करने, शव गृह बनाने के लिए भी CMO ने निर्देश कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। रायगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। यहाँ पिछले महीने कलेक्टर साहब आए थे, उस समय हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराए थे कि 10 बिस्तर अस्पताल का काम है वो शुरू हो जाए और एक MBBS डॉक्टर का व्यवस्था तुरंत किया जा करके कलेक्टर साहब ने इसमें सहमति दी थी, परंतु आज तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। आज जिलाधिकारी डॉक्टर केसरी साहब के आगमन हुआ है, हम उसको भी अवगत कराएँ कि यहाँ की गंभीर समस्या को आप शीघ्र निराकरण करें करके, तो आश्वासन दिए हैं कि सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर का भी MBBS डॉक्टर का व्यवस्था कर दिए हैं। अगला शनिवार या मंगलवार से शुरू हो जाएगा और साथ ही 10 बिस्तर अस्पताल का भी कार्य शीघ्र होने के लिए बोल दिए हैं। और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और भी कुछ स्टाफ्स की कमी है, तो RMA डॉक्टर का व्यवस्था हो रहा है, वो भी सप्ताह भी के अंदर हो जाएगा बोले। सर, आज कोसीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपका दौरा कार्यक्रम रहा, सर किन उद्देश्यों को लेकर आज का कार्यक्रम रहा? देखिए, यहाँ पे अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें MBBS डॉक्टर की ज़रूरत है, RMA की ज़रूरत है, मार्चरी रूम की ज़रूरत है, 10 बिस्तर यहाँ बनकर तैयार है, इसको भी फंक्शनिंग कराना है, और लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्वीपर, सभी चीज़ की ज़रूरत है। तो माननीय विधायक महोदय के साथ चर्चा हुई है काफ़ी अच्छी, और उसमें अब चूँकि कोरोना काल है, सबकी ड्यूटी इधर उधर हो के हुई हुई है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं डॉक्टर्स को ड्यूटी लगाने की बात हो गई है, हम उनको यहाँ भेजेंगे, और बाकी स्टाफ के लिए भी टेम्परेरी व्यवस्था करवा दे रहा हूँ मैं, और फिर और हम शासन से मांग करके यहाँ पे व्यवस्था और बनाएंगे। वहीं सर, टेम्परेरी व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं वो कब तक हो जाएगी? टेम्परेरी का डॉक्टर्स का तो मैं बोल दे रहा हूँ, कल से नहीं तो जैसे मंगल और शनि की ड्यूटी लगनी है तो मंगल को आएंगे, नहीं तो फिर शनिवार से तो 100% आएंगे लोग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.